किसी सोसाइटी में चले जाएं तो उलमा की कदर क्या है। दरवाजा नॉक हो रहा होता है, अंदर से बात आती है, कारी साहब आए हैं, कारी साहब, कारी साहब खड़े रहे, बेटा बच्चे आराम कर रहे हैं। ये तो कंसेप्ट बन चुका है हमारा। अगर वो ट्यूटर आ जाता है तो जनाब फौरन ड्राइंग रूम खोल दें, ट्यूटर को कहीं इधर बैठे हैं, बच्चे आ रहे हैं। अगर ट्यूटर कह देता है मेरे आने से पहले बच्चे रेडी हो तो रेडी भी कर देते हैं। उलमा की कदर क्या है, उलमा दरवाजे पे खड़े दस्तक दे रहे हैं। वो उलमा, वो आलमे दीन जो आपको कुरान पढ़ाता है, आपको दीन सिखाता है, आपके जनाजे पढ़ाता है, आप उसके पीछे हाथ बांधकर अल्लाहु अकबर कहते हो। आज हमारा एनवायरमेंट कितना गिर चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिससे फिर काम लेना हो, अबाबीलों से हाथी नहीं मरवा लिए। इसीलिए ये मुख्तलिफ पॉइंट जो हैं, औलिया अल्लाह जिधर भी बैठे हैं वो दीन के काम के लिए तगोदो कर रहे हैं, दीन के काम पर मेहनत कर रहे हैं, नस्लें बचा रहे हैं। अगर हम इनका कदर नहीं करेंगे हम जलीलो रुस्वा हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि सरकार हम पर निगाह रखते हैं।